रामपुरा नगर में भी आखिरकार कोरोना महामारी का संक्रमण धीरे धीरे पहुंच गया। 1 अगस्त की शाम को कोरोना रिपोर्ट में रामपुरा के वार्ड क्रमांक 8 में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आया है। वहीं लोगों में अभी भी जागरूकता नहीं आई। सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन अभी भी आम जनता नहीं कर रही है। पॉजिटिव आने वाले व्यक्ति के बारे में जब वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने तहसीलदार महोदय से बात की तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मास्क कंपलसरी है और अब तो गवर्नमेंट ने भी मास्क 1 मास्क 2 वाला रूल निकाल दिया। सभी को हम शुरू से ही सचेत कर रहे हैं और क्योंकि एक अपने यहाँ जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है कल रात को ही कंटेनमेंट बनाया गया है और नए नियम है उस नियम अनुसार जो प्रभावित व्यक्ति है उनको तंबूज भेज दिया गया है और जो उनके फैमिली मेंबर्स है उनको 5 दिन नई गाइडलाइन अनुसार 5 दिन का जो है उसका ड्यूरेशन उसके बाद सैंपलिंग की कार्रवाई होगी। बाकी सब वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश अनुसार और मेडिकल टीम डीएमओ मैडम डॉक्टर की जो चल रहा है थाना प्रभारी उनका भी पूरा सहयोग करी और सभी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो शुरुआत हुई है कि यही चैन टूट जाए। जनता से अपील है कि अब गंभीरता से ले लें क्योंकि अब तहसील या उपखंड का मामला नहीं अपने रामपुरा का मामला अभी तो ये शायद मेडिकल इनकी जो सर्वे है रूल वो अभी स्क्रीनिंग करेंगे और जो कोई अगर ज़्यादा गंभीर ऐसा लगता है वो निर्णय मेडिकल टीम करती है। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर जो अधिकारी या मेडिकल वाले वो निर्णय लेंगे कि भाई उनकी स्क्रीनिंग में क्या रिपोर्ट आ रही है। अगर ज़्यादा है तो प्रभावित है तो उस हिसाब से वो उनका निर्णय रहेगा। ये अगर आप बता रहे हैं आपसे मुझे जानकारी मिली है मैं सीएमओ साहब से करवाता हूँ इसकी जाँच पूछताछ करते हैं। बाकी जो स्थिति है अगर थोड़ी बहुत भी लापरवाही है तो उसको वरिष्ठ अधिकारी को बताया जाए। नहीं हमने यहाँ पे लॉकडाउन होने के बाद भी टीआई साहब और हम बराबर चालान बना रहे हैं अलाउंस कर रहे हैं और प्रकरण कायम भी कर रहे हैं। लोग फिर भी कुछ लोग हैं जो नहीं सुन रहे हैं तो उनको सचेत है कि आप थोड़ा सचेत हो जाए। कोई भी गलती से प्रभावित व्यक्ति से भी इन्फेक्शन आ गया तो वो दुकानदारी और धंधा ही रखा रह जाएगा। आप सुरक्षित रहे सबसे पहले अपनी जान और मतलब गवर्नमेंट के गाइडलाइन नियमों का पालन करें तो उस अनुसार सभी से अपील है सुरक्षित रहे और कोई भय और अफवाहों में ना आए। दुकान पे आज दोपहर में थी एक दुकान खुली थी नियम विरुद्ध उन्होंने खोल रखी थी और चूंकि जो दुकान मालिक थे शायद उन्होंने ही वहीं स्वीकार किया है कि यही सबसे चिंता हुई इस अनुसार कि हाँ उन्होंने कुछ कुरकुरे या कुछ बेचे थे सामान नहीं पंचनामा बनाया है वो उनके द्वारा ही सूचना दी गई थी वही मौके पे थे और वो नियमानुसार कार्रवाई करना है उनको प्रतिवेदन मिल जाएगा। नहीं उनका प्रकरण तो विधिवत तहसीलदार साहब मतलब ये टी सबसे बन चुका है बना के प्रस्तुत कर देंगे ठीक है उस पर कार्रवाई होगी। रामपुरा से अजय सिंह सिसोदिया के साथ शेख के साथ की रिपोर्ट।